की इतनी मोटी पाइप होती है, ठीक है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप एक काम करिए, आप ना मैदे का एक गोला बनाइए, ठीक है, और जो आपकी स्ट्रॉ होती है जिसमें से आप क्रशर पीते हैं, उस स्ट्रॉ के अंदर वो मैदे का वो ऊपर से डाल दीजिए, ठीक है। एक दो दिन के अंदर वो एक तो जाम हो जाएगा और उसमें फंगस लग जाएगी, बैक्टीरिया लग जाएगा। अब जस्ट इमेजिन योर इंटेस्टाइन्स, जो हमारी आंत है, ठीक है, बेसिकली जहाँ से डाइजेशन की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी की होती है, वो ऐसे है विद रूट्स, राइट। जब हम ये सब चीजें खाते हैं, आप ये सोचिए कि जब आप मैदा, जंक, इवन व्हीट, आपने घर में देखा लेडीज जब आटा गूंथती है आटा हाथ में चिपकता है, हाथ में चिपक जाता है, ठीक है। कभी आपने बेसन का आटा या सिंघाड़े का आटा, ज्वार का आटा कभी किया है, वो हाथ में चिपकता नहीं है, वो नहीं चिपकता, ठीक है। तो आटा जब हमारे हाथ में चिपकता है, जिसको लेडीज ऐसे क्रोधती है, ऐसे निकालती है आटा गूंदने के बाद, तो कभी इमेजिन करिए जब हमारी आंत में वो आटा चिपकता है तो उसको आंत से कौन बाहर निकालता है। और ओवर द टाइम ये जो हमारे आंतों में मल इकट्ठा होता है, वो मल क्रॉनिक हो जाता है। वंस द मल, या जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, वो क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है, वो आपकी आंत पे जमाता है एक परत, और तो जो आपकी आंतों की परत है, ओवर द टाइम ये आपकी एब्जॉर्प्शन रोकती है। देखिए हमारी बीमारी का ना एक पैटर्न बना हुआ है, सबसे पहले आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आपका एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होएगा, न्यूट्रिशन डिस्टर्ब होएगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होएगा, हॉर्मोन्स की सिक्रीशन डिस्टर्ब होगी, करते करते इम्यूनिटी गिरी और बंदा बीमार। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप आपका अब्सॉर्प्शन है, आपका डाइजेशन है, उसको अच्छा रखिए। मैदा खाना ना, किस दिन मैदा का ऐसा गोला बना के ना कि कोने में रख के देखो। अच्छा और एग्जांपल लो, आप अपने घर के टेबल के ऊपर 4 दिन के लिए फ्रूट रखो और 4 दिन के लिए पकौड़ा रख दो, या 4 दिन के लिए मैं कहती हूँ आप बटर चिकन रख दो, वो बटर चिकन इस मौसम में तो विद इन 2 घंटे स्मेल मारना शुरू कर देगा। तो वहां से ही आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा फूड बॉडी के लिए अच्छा है। हेल्थ, जो हमारा न्यूट्रिशन का लॉ है, वो ये कहता है, लॉ ऑफ न्यूट्रिशन सेज कि भगवान ने या नेचर ने जिस फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में हमें फूड दिया है, चाहे वो फल दिया है, चाहे वो फ्रूट दिया है, उसको या वेजिटेबल्स दिया, उसको उसी फॉर्म में खाना इज एक्चुअली न्यूट्रिशन। जब हम प्याज टमाटर को भी तड़का लगा देते हैं ना कि चलो पुलाव में तड़का लगा के खाए, तो उस प्याज टमाटर की जो एक्चुअल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, हम उसे खत्म करते हैं। मतलब मैम, एक वीडियो मैंने भी ये बनाया था, जो शकरकंदी है उसको बहुत अच्छा कहा गया, लेकिन वो शकरकंदी में 10 तरह के मसाले और चटनी डाल के खाते हैं, तो वो मेरे को लगता है बेनिफिशियरी नहीं होगा, वो बेनिफिशियल नहीं होगा। दोस्तों आज आपको एक चीज का बहुत फायदा मिला होगा, ये फायदा मिला होगा कि डॉक्टर नेहा ने 2 मिनट की वीडियो नहीं, बहुत सारे सेशन बनाए हैं। हेल्थ नॉलेज इंडिया पे जाके देखिए, आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, और एक बार फिर यही आशा करता हूं कि वो दोबारा वीडियो वायरल होगी और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।